Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Today, here, this is a book and the name of your book is Grammar Glitter Odyssey and this is book 1. Today, we are going to learn a new chapter which is chapter number 8 and the name of the chapter is Describing words. So yes, we will learn about different words that describe a noun. So words that describe people, animal, bird and place or thing are called describing words. Aise words jo kisi person ko, kisi animal ko, kisi bird ko, kisi jagah ko, kisi thing ko describe karte hain. उसके बारे में बताते हैं. ऐसे वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं. दीज वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स. और ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बताते हैं हमें नेमिंग वर्ड्स के बारे में और ज्यादा बताते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव्स. इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. Here the example is the man has a big car. तो यहाँ पे एक आदमी है जिसके पास एक कार है. अब आपसे मैं पूछूं कि कार कैसी है तो आपने मुझसे बोला मैम कार इज बिग. बिग कार है तो कार को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है बिग. नेक्स्ट इज दिस इज अ ब्लैक कैट. ये एक ब्लैक कैट है. तो अब मैंने पूछा कैट कैसी है क्योंकि कैट तो एक नेमिंग वर्ड है. तो कैट कैसी है आपने मुझसे बोला कि ये एक ब्लैक कैट है. तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वर्ड है वो कैट को डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज ए. हियर वी हैव टू अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन ईच सेट ऑफ वर्ड्स. हमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. Hill, no, ये तो एक नेमिंग वर्ड है. Green, yes, जल्दी से अंडरलाइन कर देते हैं. And smile, no, this is also not a describing word. Beautiful, yes, ये एक describing word है. House और car तो naming words हैं. Short, एक describing word है. Palace और माइंड दोनों ही नेमिंग वर्ड्स हैं. शर्ट एक नेमिंग वर्ड है. शू भी एक नेमिंग वर्ड है. और यहाँ पे सॉफ्ट एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है. इंटेलिजेंट डिस्क्राइबिंग वर्ड. टाइगर नेमिंग वर्ड. एंड किंग इज आल्सो अ नेमिंग वर्ड. ग्रीन डिस्क्राइबिंग वर्ड. ग्रास इज naming word and trees also naming word. So the words we have underlined here are the adjectives or the describing words. Now let's move on to B exercise. Choose the appropriate describing word and complete the sentences. तो यहाँ पे कुछ describing words दिए गए हैं उन्हें जो है choose करना है and then we have to complete the sentences. I have a dash teddy bear. Beautiful, ugly. मेरे पास जो teddy bear है कैसा है वो? Beautiful. The giraffe is dash tall या फिर small. So it is tall. The knife is dash blunt या फिर sharp. So it is sharp. I saw a dash fish in the sea. तो मैंने एक shape fish देखी. कैसी fish देखी? Big fish देखी. The boy is dash. Boy कैसा है आप बताओ? कैसा लग रहा है वो आपको? Happy या sad? So the boy is sad. There is a dash park near my house. तो कैसा पार्क है मेरे घर के पास? क्लीन या फिर डर्टी बताओ? ओ कितनी सारी गंदगी फैलाई है सब बच्चों ने मिलके.
So it is very dirty, na? So let's write here, dirty. Clear, children? So these are the describing words. Next, see exercise. Underline the adjectives in the following sentences. यहाँ पे adjectives हैं, उन्हें underline करना है. A black pencil is on the table. तो अब मैंने पहले सबसे पहले naming words को ढूंढा. तो naming words हैं pencil और table. Pencil और table. अब मैंने pencil से पूछा pencil कैसा है, तो आपने बोला black. तो मैंने black को underline कर दिया. अब मैंने पूछा table कैसा है, no reply. क्लियर? तो रिप्लाई आना चाहिए. हमें क्या पूछना है, कैसा है वो चीज. ओके, हाउ द थिंग इज, कैसा है. रितिका इज ब्यूटिफुल. तो यहाँ पे एक ही नेमिंग वर्ड है, वो है रितिका. रितिका कैसी है, तो आपने बोला ब्यूटिफुल. ही इज एन ऑनेस्ट बॉय. बॉय कैसा है, ऑनेस्ट. आ टीचर इज पेशेंट एंड काइंड. टीचर कैसी है, पेशेंट है और काइंड भी. माई कैट हैज अ लॉन्ग टेल. तो टेल कैसा है, लॉन्ग. दिस इज अ ग्रीन पैरट. पैरट कैसा है, ग्रीन. शी हैज प्रिटी आइज. आइज कैसी हैं, प्रिटी. यू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. हाउस कैसा है, ब्यूटिफुल. द ब्लू बर्ड फ्लाइज वेरी हाई. तो बर्ड कैसी है, ब्लू. द लिटिल पपी क्रॉस्ड द रोड. तो पपी कैसा है, लिटिल. छोटा सा पपी है, वो रोड को क्रॉस कर रहा है. सो दीज आर द एडजेक्टिव्स. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, डी एक्सरसाइज इज लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब देम यूजिंग करेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव्स. तो हमें इनका करेक्ट नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही लिखना है. तो ये किसकी पिक्चर है, कार. और कार कैसी है, we can write yellow car या फिर small car. Correct? Next, यहाँ पे next picture है chocolate की. तो chocolate कैसा है, sweet. बहुत ही ज़्यादा मीठा है. तो sweet chocolate. Okay, tree कैसी है, green. तो हम लिख देते हैं, चलो green tree. Correct? Next question is, next picture is of rose. Rose kaisa hai, beautiful. Rose is beautiful. Next is house kaisa hai, big. To hum likh denge big house. Clear, children? So like this we have to complete this exercise. Next is describing words tell us the following about noun. Describing words हमें noun के बारे में क्या बताते हैं, noun का shape बताते हैं, number बताते हैं, कितने noun हैं, शेप बताते हैं. नाउन किस शेप का है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, कैसा है. कलर बताते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू. साइज बताते हैं, साइज कैसा है, बिग है, स्मॉल है. क्वालिटी बताते हैं कि क्वालिटी कैसी है. नाउ लेट्स डू दिस ई एक्सरसाइज. अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. आई हैव अ डॉग नेम्ड ब्रूनो. बस ये खत्म होने वाला है, एक दो स्लाइड. आई हैव अ डॉग नेम्ड ब्रूनो. आई प्ले विथ हिम एवरी डे. ही इज वेरी नॉटी. तो नॉटी इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड.
He is very small and brown in color. So small and brown are the describing words. He has a short tail. तो tail कैसी है? Short. तो short is the describing word. He has black eyes. तो black is the next describing word. He likes to eat crunchy biscuits. So crunchy is describing word. He sleeps in a red kennel. So red is also a describing word. He is very clever. Clever is a describing word. He runs very fast, barks loudly and attacks the stranger. तो bark कैसे करता है? Loudly. And कैसा है वो? Very fast है. So these are the describing words. And he follows me everywhere. So these are the describing words that we have underlined here. Now children, let's learn opposites. So do you all know what are opposites? So opposites are words. These are pair of describing words that can have. There are some pairs which have opposite meanings, means ulta. Such words are called opposites. Aise words ko hum opposites kehte hain. Jaise ki day and the opposite of day is night. Day ka opposite night hota hai. Aise hi black ka opposite hai white. तो यहाँ पे हम कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट्स पढ़ेंगे कि उनके ऑपोजिट्स क्या होते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर विथ द फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज ए एक्सरसाइज. हियर वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के जो भी ऑपोजिट्स हैं उनसे हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट इज हॉट. तो हॉट का ऑपोजिट है कोल्ड. लॉन्ग इज शॉर्ट. द ऑपोजिट इज शॉर्ट. हैप्पी सैड. ब्यूटिफुल अगली. ब्लंट शार्प. Empty means khali and the opposite is full. Short means chota. So short ka opposite hai long. Foolish is intelligent. Opposite is intelligent. Easy, डिफिकल्ट. आप कहते हो ना मैम ये आंसर बहुत ही ईजी है और दूसरा बहुत ही डिफिकल्ट है. सो ईजी डिफिकल्ट. हार्ड सॉफ्ट. आपका जो पिलो है वो कैसा होता है? सॉफ्ट. और जो टेबल है वो कैसी होती है? हार्ड. सो बोथ आर ऑपोजिट. सो दीज आर द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. Now, pair of doing words can also show opposite actions. जो doing words हैं उनके भी pair जो है क्या बताते हैं? Opposite action बताते हैं. जैसे कि awake. Awake means जगना. Asleep means सोना. दोनों क्या है? Doing words. Come, go. Start, end. Sit, stand. Laugh, cry. And float means तैरना. And the opposite is sink. तो ये जितने भी words हैं ये सारे क्या हैं? Doing words हैं. Means हम जो भी काम करते हैं इन सारे कामों को हम करते हैं. So in the second exercise, in B exercise, what we have to do? We have to write the opposite of the underlined words. ये जो underlined words हैं, इनके opposite लिखने हैं. First one is, the train was very fast. Train कैसी है?
फास्ट है, तो फास्ट का ऑपोजिट लिखेंगे स्लो. आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, तो ऑलवेज का हो जाएगा नेवर. आई नेवर डू माई होमवर्क. आई लाइक रीडिंग. आई डोंट लाइक रीडिंग. I don't like reading. The window is open. The window is closed. First, take a right turn. So, right, left. They always win the dance competition. So, win ka opposite ho jayega lose. They always lose the dance competition. So these are the answers, children. I hope it's clear to you. Now the next exercise says match the words with their antonyms. अगली exercise क्या कह रही है, ये जो words हैं उनको इनके antonyms means opposites के साथ match करना है. So antonyms means opposites. Open, and what is the opposite of open? It is close. So it's number one. Sweet, it will be bitter. Difficult, easy. Beautiful, ugly. Entry, exit. Common, it's very rare. Narrow, wide. Short, long. Good, bad. And the last one is early, late. So these are the answers, children. You have to match like this. Now let's move on to D exercise. What we have to do here? Read each of the following sentences. Circle the words that have opposite meaning of the colored word. तो उन words को हमें circle करना है जिनका meaning क्या है इन colorful words से उल्टा है, ऑपोजिट है. द बॉय इज लॉन्ग, तो व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग? क्या वो बिग है? नो. एम्प्टी? नो, इट इज शॉर्ट. सो वी विल सर्कल इट. नेक्स्ट वन, द डॉग इज वेट. वेट मीन्स गीला, तो गीला का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सूखा. सो क्या वो गो है? नो. ड्राई? यस, इट्स ड्राई. सो वी विल सर्कल इट. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टॉल, तो वी हैव टू सर्कल ड्राई मींस सूखा. द टीवी इज लाउड, बहुत तेज है. तो लाउड, तेज का आवाज बहुत तेज है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? शांत. तो क्वाइट? यस. फुल एंड सैड. सो विच वन इज करेक्ट? क्वाइट. फोर्थ वन, द स्कूल इज फार. फार मतलब दूर. स्कूल बहुत दूर है, तो दूर का ऑपोजिट क्या हुआ? पास. तो नियर, अंडर एंड शार्प. सो नियर इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ वन, द नाइफ इज ब्लंट. ब्लंट मीन्स जो नुकीला ना हो, तो जो चीज नुकीली नहीं है उसका ऑपोजिट क्या होगा? नुकीली. सो द नाइफ इज ब्लंट, तो हम क्या लिखेंगे? सैड, अगली या फिर शार्प? यस, शार्प विल कम. शार्प मीन्स बहुत नुकीला है. द शूज are old. Old means पुराने, तो पुराना का ऑपोजिट क्या हो गया? नया.
तो क्या इसका ऑपोजिट कोल्ड होगा, ब्राइट या फिर न्यू? सो यस द करेक्ट आंसर इज न्यू. न्यू इज ऑपोजिट ऑफ ओल्ड. द शूज आर न्यू. सो आई होप चिल्ड्रेन यू लर्न्ड दिस चैप्टर. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑपोजिट्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट. वी ऑल्सो कॉल ऑपोजिट्स एज एंटोनिम्स. सो वी हैव लर्न अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ऑल्सो डूइंग वर्ड्स, ऑपोजिट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स. सो यू हैव टू लर्न द गिवन एक्सरसाइजेस. आई विल बी मीटिंग यू सून विथ अ न्यू वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड.